अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, तो फिर आपके पास एक सबसे बड़ा रिसोर्स है आपकी अपनी टीम। योर टीम इज योर बिगेस्ट रिसोर्स। और जहां पे लोग रहेंगे वहां पे एक चीज होती रहेगी, क्या? मोटिवेशन अप, मोटिवेशन डाउन, मोटिवेशन अप, मोटिवेशन डाउन। सो इफ यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू मास्टर वन थिंग, How to motivate your team। और पिछले करीब 14 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम करने के बाद आई हैव रियलाइज, अगर आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है तो देन देयर आर 5 पावरफुल प्रूवन टेक्निक्स जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। पांचों टेक्निक्स को अच्छी तरह से समझिएगा, एंड अगर आप इन पांचों टेक्निक्स में से 2 या 3 टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर गए, आई एम श्योर यू विल कीप योर टीम हाईली हाईली मोटिवेटेड। एंड अगर आपके पास एक हाईली मोटिवेटेड टीम है, तभी आप एक कमाल का बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। एंड दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 सपोर्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड आई हैव 1 ड्रीम माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग शुड शाइन, नेटवर्क मार्केटर्स शुड शाइन। तो उसके लिए आइए जानते हैं कौन से वो 5 तरीके हैं जिससे आप अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं। नंबर 1, गो डी आई वाई। क्या है? डू इट योर सेल्फ। अगर आप अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं एक्शन लेने के लिए, कमाल करने के लिए, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, देन देयर इज 1 श्योर शॉट गारंटेड वे, दैट इज डू इट योरसेल्फ। मैंने बहुत बार मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन कोर्सेज में यह बात कही है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द इंजन। किसी भी गाड़ी की रफ्तार उस गाड़ी का इंजन डिसाइड करता है, आप अपनी टीम के लिए इंजन है। सो योर स्पीड, योर एक्शंस विल डिसाइड व्हाट योर टीम विल कॉपी। आप जो नहीं करते हैं वो किसी को करने के लिए कह नहीं सकते हैं। व्हाटएवर यू आर नॉट डूइंग, यू कैन नेवर डिमांड अदर पीपल इन योर टीम टू डू इट। सो लीड बाय एग्जांपल एंड शो देम व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखाते नहीं है हम, लोगों को दिखाते हैं। वी डोंट रियली टीच पीपल, वी एक्चुअली शो पीपल। सो शो पीपल बाय योर एग्जांपल व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट पीपल टू डू। बहुत बार मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं और बोलते हैं, सर मेरी टीम में ना लोग अग्रेसिव नहीं है। तो फिर मेरा उनसे सवाल ये होता है, क्या आप खुद अग्रेसिव हैं? कुछ लोग मुझे बोलते हैं, सर मेरी डाउनलाइंस में ना जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव सा एटीट्यूड रखते हैं, बिजनेस को एग्रेसिवली सीरियसली नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के लिए 100% कमिटेड नहीं है। देन माय क्वेश्चन टू देम इज, आर यू अग्रेसिव अबाउट द बिजनेस? आर यू सीरियस अबाउट द बिजनेस? आर यू कमिटेड अबाउट द बिजनेस? सो गो DIY। और अपने आप से अक्सर एक सवाल पूछते रहिए, क्या आप खुद एक बेहतर, शानदार, कमाल के लीडर और कमाल के डाउनलाइन हैं? अगर आप खुद वो नहीं कर रहे हैं जो आप टीम से उम्मीद करते हैं, तो टीम कभी नहीं करेगी। सो गो DIY। अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए दूसरी कमाल की चीज, अप्रिशिएट द डिजर्विंग। आपको याद है जब आपने पहली बार बिजनेस को शुरू किया था, आप नए नए थे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, आप कुछ भी काम करते थे और आपको लगता था आपकी अपलाइन आपको गाइड करें, अप्रिशिएट करें, आपको वो बताएं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वही सेम अब आपकी टीम के साथ है। आप इंतजार मत करिए कि आप अपनी टीम को अप्रिशिएट तब करेंगे जब वो कोई नया पिन अचीव कर लेंगे, नया रैंक अचीव कर लेंगे, या फिर कुछ बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट करेंगे, कोई कॉन्टेस्ट अचीव करेंगे। नो, you should appreciate them at every single step forward. जैसे ही वो एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं, आप उन्हें अप्रिशिएट करते जाइए। आपको कोई बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत नहीं है उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत बार नेटवर्क मार्केटिंग में एफर्ट्स के रिजल्ट्स आने में समय लगता है। आप उनके हर कदम को अप्रिशिएट करते चले जाइए, रिजल्ट्स अपने आप में एक तरह की अप्रिसिएशन है। तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो वैसे ही हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे। जब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और एफर्ट्स जा रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन दे नीड यू द मोस्ट, माय डियर फ्रेंड्स। सो बी रियली फास्ट टू appreciate every single progress they make. Celebrate every achievement. हर एक छोटी छोटी achievement को celebrate करिए. Game is not perfection, my dear friends. Game is progress. लगातार बढ़ते रहना, बेहतर होते रहना, that is the game, my dear friends. और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने teammates को recognize कर सकते हैं, appreciate कर सकते हैं। आप उनके लिए कोई post बना सकते हैं, group में कोई message कर सकते हैं, online events में उनका नाम लेके उन्हें recognize कर सकते हैं, offline meetings हैं तो वहां पर आप उनको stage पे बुला सकते हैं, shake hand कर सकते हैं, एक नाम ले सकते हैं, लोगों से उनके लिए एक बार तालियां भजवा सकते हैं। You have so many ways. The only thing is you need to have that intention and you need to have that sensitivity कि आपको अपनी टीम के हर एसोसिएट को हर एक छोटी अचीवमेंट पे अप्रिशिएट करना है। तीसरी चीज अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए, डिग देयर व्हाई। उनके व्हाई को, उनकी वजह को, उनके पर्पस को उन्हें याद कराते रहिए।
हर एक नेटवर्क मार्केटर एक पर्पस की वजह से इस बिजनेस में आता है। 100 में से 99 लोग जो ये बिजनेस शुरू करते हैं वो पार्ट टाइमर्स होते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में वो इस बिजनेस को क्यों करने का निर्णय लेते हैं? क्योंकि खास चीज उन्हें दिखाई देती है जो इस बिजनेस से मिल सकती है। कोई एक वजह है जो उन्हें अपने काम के साथ, रेगुलर चीजों के साथ साथ इस काम को करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बार ऐसा होगा कि लोगों को थोड़ी सी ठोकरें लगती हैं, थोड़ी सी रिजेक्शन मिलती है, क्रिटिसिज्म मिलता है, और बहुत बार उनका मन करता है यार बिजनेस को छोड़ दें, हैंडल नहीं हो पा रहा है। हर बार जब आपको लगे आपकी टीम के लोग क्विट करने वाले हैं, हर बार आपको लगे कि आपकी टीम के लोग थोड़ा डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, तो उन लीडर्स को उनका व्हाई याद कराइए। और मैं आप सब लोगों से भी बोलता हूं, एनी टाइम यू फील लाइक क्विटिंग माय फ्रेंड, यू शुड रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। जब जब तुम्हारा छोड़ने का मन करे तो हमेशा याद करना शुरू क्यों किया था। You need to cast their vision. आपको याद दिलाना है उन्हें, pain is temporary, pride is forever. Pain is temporary, pride is forever. उनका वो ड्रीम, उनका वो पर्पज, उनकी वो वजह, उनका वो कारण क्यों उन्होंने शुरू किया था, आप उन्हें याद कराते रहिए। और जब वो अपनी वजह के साथ काम करेंगे, उस पर्पज के साथ काम करेंगे, they will do magic, my dear friends. अपनी टीम के एसोसिएट्स को मोटिवेटेड रखने के लिए चौथी चीज जो आपको करनी है, that is called tap root up. Tap root up. Root up समझते हैं जड़ें। जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं उन्हें कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं उन्हें कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। आपको अपनी टीम में नंबर ऑफ अचीवर्स को मल्टीप्लाई करना है, और वो भी कहाँ, डेप्थ में, नीचे 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 नीचे। ये टैप रूटिंग क्या है, ये कमाल का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पिछले कई सालों से अपनी टीम में डेप्थ को मजबूत करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज टैप रूटिंग? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ स्पॉन्सरिंग, पर्सनली स्पॉन्सरिंग न्यू पीपल, हेल्पिंग देम स्पॉन्सर न्यू पीपल एंड मेकिंग देम अचीवर्स, मेकिंग देम अचीवर्स। अपने टीम में डेप्थ में नए लोगों को स्पॉन्सर करते जाइए, उनको अचीवर बनाते रहिए, एंड इट विल गिव यू स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे वो स्नोबॉल होता है ना, ऊपर से जब शुरू होता है तो वो छोटा सा गोला होता है, और नीचे आते तक इट बिकम्स अ ह्यूज ह्यूज बॉल। सो यू नीड टू मेक यूज ऑफ टैप रूट कॉन्सेप्ट, और अपनी टीम में डेप्थ में नीचे लोगों को स्पॉन्सर करते रहिए, उन्हें अचीवर बनाते रहिए। जब आपकी टीम में नीचे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेप्थ में लोग अचीवर बनते रहते हैं ना, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर तक एक अलग फायर, एक अलग जोश, एक अलग जुनून आने लगता है। और अपनी टीम मेट्स को मोटिवेटेड रखने के लिए पांचवी कमाल की चीज, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, गौर से समझिएगा, लेट आउट और बर्न हिम आउट। लेट आउट और बर्न हिम आउट। बहुत बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है और बहुत सारी कंपनीज में देखा है, वहां पर सिर्फ एक ही चीज की ट्रेनिंग है, क्या मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तुम ही कर सकते हो, और सिर्फ मोटिवेशन के दम पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मोटिवेशन विदाउट एक्शन इज टोटल वेस्ट, मोटिवेशन विदाउट एन एक्शन प्लान इज टोटल वेस्ट। लोगों को मालूम है करना क्या है, जानकारी है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यू नीड टू बी विद देम, यू नीड टू गिव देम एक्शन प्लान, यू नीड टू काउंसल देम। सिर्फ बड़े प्रोग्राम्स के दम पे, सिर्फ मोटिवेशन के दम पे, मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकता हूं इसके दम पे बिजनेस को बिल्ड मत करिए। गिव देम राइट स्किल्स, गिव देम एन एक्शन प्लान, हैंड होल्ड करिए, काउंसलिंग करिए, अपने की एसोसिएट्स के हाथ में बैठिए और पेन पेपर पे उनके साथ में प्लानिंग करिए, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करिए, और जब आप उनके साथ काउंसलिंग करेंगे, उन्हें क्लियर कट एक्शन प्लान देंगे, तब देखिए आप कमाल का मैजिकल बिजनेस हो सकता है। रॉबिन शर्मा बोलते हैं क्लैरिटी प्रीसीड्स सक्सेस, पहले क्लैरिटी आती है और उसके बाद में कामयाबी आती है। बहुत बार आपके टीम के एसोसिएट स्टक हो जाते हैं, योर जॉब इज टू ले आउट द एक्शन प्लान फॉर देम एंड देन गो अ लिटिल व्हाइल विद देम व्हाइल होल्डिंग देयर हैंड्स एंड दे विल डू मैजिक, माय डियर फ्रेंड्स। हर एक इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है ना, तो एक ही लक्ष्य लेके आता है, क्या मेरे पास एक कमाल की बड़ी टीम होनी चाहिए, बड़ी इनकम होनी चाहिए, बड़ा रैंक होना चाहिए, पैसिव इनकम होना चाहिए। वो तब हो पाएगा जब आपके पास एक कमाल की टीम है और वो टीम मोटिवेटेड है, क्योंकि एक मोटिवेटेड टीम ही एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकती है, वो भी लंबे समय तक लगातार। तो इन पांचों चीजों का जो मैंने आज आपको बताई, इस्तेमाल करिए, इंप्लीमेंट करिए, और अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। एंड आई हैव वन ड्रीम वन गोल माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू सी यू एट द टॉप, आई वांट टू हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स विन। और वही एक मिशन है जो मुझे काम पर लगाए रखता है, एंड एनीथिंग आई क्रिएट, चाहे वो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हो, चाहे लाइव इवेंट्स हो, चाहे बुक्स हो, चाहे यूट्यूब वीडियोस हो, एवरीथिंग हैज गॉट वन अंडरलाइंग पर्पस, आई वांट यू टू विन। सो कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, आइए मिलकर कमाल करते हैं और इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। लव यू गाइस।